بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज अगर हम ऑल ओवर दुनिया पर नज़र डालेंगे तो मुसलमानों में एक चीज़ हमको सबसे ज़्यादा आज बढ़ती हुई नज़र आएगी, वो है दुश्मनों का डर, दुश्मनों के खौफ से लरजना और बहुत सारी अपनी ऐसी दीनी जो चीज़ें हैं, दीनी काम हैं, सिर्फ दुश्मनों के डर की वजह से उनसे रुक जाना। और इसकी वजह से दीन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और ख़ुद मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो चार वाक़यात हमारे सामने ऐसे आए हैं अभी पिछले हफ्ते में। एक वाक़या तो बेंगलुरु के पास में एक शहर है मंगलूर, वहाँ का वाक़या है। वहाँ पर एक मुसलमान को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ज़बरदस्ती मारा गया, पीटा गया, कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए गए। दूसरा वाक़या है अकोला ज़िले में, एक मुस्लिम नौजवान वो टैक्सी चलाता था, जो काली पीली टैक्सी होती है, रोड से वो गुज़र रहा था तो गुज़रते गुज़रते अचानक उसके गाड़ी की टक्कर एक गाय से हो गई। वो गाय मर गई, जिसकी वजह से वहाँ के बस्ती के लोगों ने मिलकर वो मुसलमान को, जिसका नाम मुबशिर खान था, उसको इतना मारे कि बेचारा जगह पे ख़त्म हो गया। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसी चीज़ को अगर हम सहाबा की ज़िंदगी में देखेंगे, बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी में देखेंगे, तो हमको ये मिलेगा कि उनका डर और उनका खौफ गैरों के दिलों पर ऐसा था कि गैर अगर रात में उनका नाम सुन ले तो उनको रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन आज मुसलमानों के दिलों में गैरों का डर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो डर की वजह से मुसलमान आज गैरों की खुशामद में, उनकी चापलूसी में ऐसे लगे हुए हैं। एक और वाक़या पढ़ने को मिला, सुनने को भी मिला कि उत्तर भारत के अंदर यूपी बिहार में ये पीरियड के अंदर वो कांवड़े जो रहते वो लोग जाते हैं गंगा का पानी लाने के लिए, तो बहुत सारी मुसलमान औरतें भी उनके साथ में शरीक और शामिल हो गई, ये बताने के लिए कि हम तुम्हारा सपोर्ट और समर्थन करते हैं बोल के, सिर्फ डर की वजह से कि कहीं गैर जो है हमारे ऊपर हमला ना कर दे या गैरों की वजह से हमारे को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो गैरों का जो डर है वो क्यों हमारे दिलों में बैठा हुआ है, इसकी वजह अगर मैं और आप तलाश करेंगे तो हमको हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी वजह मिलेगी। अब वो हदीस बयान करने से पहले और मैं आपको बताना चाहता और एक एक चीज़। बकरीद आने में अभी तकरीबन एक महीने का ज़माना बाकी है, लेकिन अभी से मुसलमान ये मसले को लेकर परेशान हैं कि कुर्बानी करना तो कैसी करना, क्या करना, कौन से जानवर को ज़ुबाह करना, और बहुत सारे मुसलमान उनके दिलों में इतनी बुजदिली बैठ चुकी है। चंद लोगों के साथ मुझे बैठने का मौका मिला, वो बात करने लगे, बोले इस साल मैं कुर्बानी कर्नाटक में जाकर करूँगा। दूसरा बोलने लगा, मैं भी बोले महाराष्ट्र में कुर्बानी करने वाला नहीं हूँ, मैं भी कुर्बानी महाराष्ट्र के बाहर करूँगा।
मैंने उन लोगों से पूछा, क्यों भाई, क्या वजह है? तो वो ये कहने लगे कि कुर्बानी अगर हम भैंस की भी करेंगे और अगर किसी ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया तो ये डर मुसलमानों के दिलों में बैठ चुका है। हालांकि हम जिस मुल्क में रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये एक डेमोक्रेटिकल मुल्क है, ये एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ का जो पूरा निज़ाम है, कायदा कानून है, वो पूरी तरह से लिखा हुआ है। लेकिन मुसलमानों के साथ में इतना ज़्यादा भेदभाव और जातिवाद हो रहा है कि मज़हब के नाम पर, यानी देखो हिंदुस्तान जो मुल्क है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके चैप्टर नंबर 15 में ये लिखा हुआ है कि इस मुल्क का रहने वाला हर शहरी, उसको मजहबी एतबार से, इजहार ख्याल के एतबार से पूरी पूरी आज़ादी हासिल है। यहाँ का रहने वाला कोई भी शहरी वो किसी भी मजहब को इख्तियार कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ किताबों में लिखी हुई है और ये बातें सिर्फ गैरों की हद तक है। जब मुसलमानों का मसला आता है तो सब जातिवाद के ऊपर उतर जाते हैं। जैसे वो मंगलूर के अंदर एक मुसलमान के साथ में कोई गैर मुस्लिम औरत काम करती थी ऑफिस में, तो वो कुछ चाय वगैरह पीने के लिए बाहर निकले थे तो गैर लोगों ने देख के उसको मारना शुरू कर दिए। जब हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिकल मुल्क है, जब ये जमहूरी मुल्क है, तो फिर मजहब के नाम से इतनी शिद्दत पसंदी क्यों? जब यहाँ पे आज़ादी है, एक हिंदू औरत मुसलमान मर्द के साथ घूमना तो दूर की बात है, शादी कर सकती है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। उल्टा गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया हुआ है कि दूसरे धर्म की औरत अगर किसी और धर्म वाले मर्द से शादी करती है तो उनको 25,000 रुपये इनाम दिया जाता है घर गृहस्थी के वास्ते। तो कोई हिंदू लड़की या हिंदू औरत अगर अपने मर्जी से किसी मुसलमान के साथ में चाय पी रही है, खाना खा रही है, या उसके साथ शादी करना चाहती है, तो मुल्क के कानून के हिसाब से कोई उसको रोक नहीं सकता है। हमारे मुल्क में इतनी आज़ादी है क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। मगर मजहब की तो बात आप छोड़ कर दो, और मैं आपको एक 8-10 दिन पहले की बात बताता हूँ। बिहार का एक वाकया मैंने न्यूज़ के अंदर पढ़ा कि एक दलित लड़का और एक ब्राह्मण समाज की लड़की, वो ब्राह्मण जो ऊंची जात वाले हैं उनकी लड़की वो दलित के साथ में निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिस में पहुंची, रजिस्ट्रार के पास। उन लोगों ने बोले कि अपने को शादी करना है तो लीगल और ऑथोराइज शादी करेंगे। तो गए वो लोग धर्मादय अधि क्या बोलते उसको, वो ऑफिस के अंदर कार्यालय में। अब वहाँ जाने के बाद देखो गवर्नमेंट ऑफिस है, क्लास 1 ऑफिसर सामने बैठा हुआ है टेबल पर और पुलिस का बंदोबस्त है। उन सब के बीच में लड़की के रिश्तेदार चप्पल जूते निकाल के वो लड़के को मारने लगे। उन लोगों ने वो शादी नहीं होने दी उनकी, मारने लगे। यहाँ तक के वो जो बेचारे नए दूल्हा दुल्हन बनना चाह रहे थे उनको इतना मारे, कपड़े फाड़ दिए उनके। पूरा उसकी बाज़ाब्ता न्यूज़ के ऊपर पूरा डिटेल में उन्होंने बताया। जब हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी है, तो फिर जात के नाम पर इतना भेदभाव क्यों? चलो ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि लड़का मुसलमान था लड़की हिंदू थी, वो तो दोनों एक ही जात के थे ना, तो उनमें भी आपस में इतना भेदभाव। उसके अलावा वही बिहार का ही एक वाकया और है, एक दलित की लड़की ब्राह्मण के लड़के के साथ में शादी करना चाह रही थी, तो गांव के लोगों ने मिलके बिचारी को पूरा बरहना करके एक झाड़ से लटका दिया। कोई बोलने वाला नहीं, कोई उसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला नहीं। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी है, तो फिर मुसलमानों के साथ में इतना भेदभाव क्यों, इतना जातिवाद क्यों? कि एक मुसलमान वो गाड़ी लेकर जा रहा है, चलो उससे गाय को ठोस हो गई, उसने टक्कर मार दिया,
अब आगे की कार्रवाई करने का काम पुलिस का है, ट्रैफिक ऑफिसर का है कि वो ड्राइवर को गिरफ्तार करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसके ऊपर जुर्माना लगाए, जो भी उसकी सजा होती है वो उसको दे। ये पुलिस का काम है और ये दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका काम है। वो तो रहे एक तरफ, बस्ती के लोगों ने मिलके वो जो नौजवान था उसको इतना मारे बिचारे को, अपने अकोला जिले की बात है, उसका जगह पे इंतकाल हो गया, उसका नाम मुबशिर खान था, जगह पे इंतकाल हो गया। यानी सोचने की बात है, एक जानवर के लिए एक मुसलमान को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़े। और फिर दूसरी तरफ जो मैंने बताया, वो मुसलमान जो काम करता था उसके कपड़े फाड़ दिए पूरे। तो ये जितने भी वाकयात हो रहे हैं ये हमारे नामर्दानगी की वजह से, ये हमारे बुजदिली की वजह से और ये हमारे बर्दाश्त करने की वजह से। हम खुद ये सारे वाकयात के जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अगर हमारे बुजुर्गों के सहाबा के ज़िंदगी से कंपेयर करके देखेंगे तो उन्होंने काफिरों के मुशरिकों के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जितने गज़वात लड़े थे वो अपने जान की हिफाजत के लिए, सहाबा इकराम की जान की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो डिफेंस में नहीं लड़ते तो कुफार और मुशरिकीन तो मदीने को नेस्तो नाबूद कर देते थे। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि दुश्मनों की तरफ से हमला हो रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उनके मुकाबले के लिए खड़े हो गए। तो असल चीज़ ये है, हमारे दिलों में जो बुजदिली पैदा हो गई है, मौत का डर हमारे दिलों में आ गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन से फरमाया कि मेरे सहाबा, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुमको ख़त्म करने के लिए, तुमको नेस्तो नाबूद करने के लिए, तुमको जड़ से उखाड़ने के लिए, तुमको बर्बाद करने के लिए दुश्मन एक दूसरे को ऐसी दावत देंगे जैसे दस्तरखान पे तुम लोग एक दूसरे को खाना खाने के लिए दावत देते। तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो तो आला दर्जे के मोमिन थे, वो तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा ज़माना भी आएगा। इसलिए उन्होंने पहला सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पूछा और कहा कि हुजूर क्या ऐसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर क्या उस वक्त हमारी तादाद वो कम रहेगी, हम लोग कम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम कम नहीं रहेंगे, तादाद में भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, मगर तुम्हारे तादाद की मिसाल ऐसी ही होगी जैसे समंदर के ऊपर झाग होता है जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, एक छोटा सा बच्चा भी वो झाग को ख़त्म कर सकता है, ये हाल तुम्हारा होगा। बोले हुजूर उसकी वजह क्या होगी, उसका रीज़न क्या होगा, क्यों हमारे दिलों में बुजदिली पैदा हो जाएगी, क्यों हमारे दिलों में डर पैदा हो जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुमको वहन लग जाएगा, उस वक्त तुम्हारे दिलों को वहन लग जाएगा। सहाबा ने पूछा कि हुजूर ये वहन क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल की मोहब्बत और मौत से नफरत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगी। आज मुसलमानों के बर्बादी, मुसलमानों के तबाही, पूरे दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम का जो बेसिक रीज़न और जो बेसिक वजह है वो यही है, हमारे दिलों में बुजदिली पैदा हो चुकी है, मौत का डर आ गया है हमारे दिलों के अंदर। इसलिए मुसलमान काफिरों को, मुशरिकों को, गैरों को, उनको खुश करने में लगा हुआ है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने में लगा हुआ है, उनकी खुशामद में लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया आपको कि बकरीद को अभी एक महीना बाकी है,
अभी से कुछ मुसलमानों ने ये इरादा किए, एक साहब ने वीडियो ऑडियो क्लिप भेजे व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने सुना वो। अब देखो बुजदिली, वो व्हाट्सएप पे भेजने वाला भी नंबर एक का बुजदिल और उसको दूसरों को भेजने वाले भी उससे बड़े बुजदिल। उसने उसके अंदर रिकॉर्ड किया, बोले बकरीद आने वाली है और उस टाइम पे ये होगा और गैरों का त्यौहार होगा, इसलिए मुसलमानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुसलमान जो है वो बड़े जानवर ना काटे या वो अपने महाराष्ट्र में कुर्बानी ना करते हुए बाहर की रियासतों में कुर्बानी करें। क्यों हम किसी तालिबानी मुल्क में रहते हैं? अरे हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे हर मजहब वाले को जब पूरी पूरी आज़ादी है तो ये बुजदिली काय के लिए तुम्हारे दिल में? ये डर किस लिए कि अभी से तुम्हारे दिल में ये डर और खौफ पैदा हो चुका है? जब हमको इसकी आज़ादी है, चलो ठीक है, बड़े जानवर में हम जब भैंस जुबा करते हैं तो बिल्कुल हमने भैंस जुबा करना चाहिए, मगर उससे डरना नहीं चाहिए। डर किस बात का? हम बकरा जुबा कर रहे हैं, हमने बकरा जुबा करना चाहिए, मगर हर साल जैसी कुर्बानी करते हैं उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के हमने कुर्बानी करना चाहिए। डर किस बात का? ये डर जो है ना, इसकी वजह से आज काफिर हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं। साहबा के दिलों में ये मौत का डर नहीं था, साहबा भी शहीद हुए लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने 4-6 को सुलाए, उसके बाद साहबा शहीद होते थे। हमारे जैसा नहीं कि हमारा ये हाल हो चुका है डर की वजह से। आज मैं जहाँ जहाँ के भी वाकये सुनता हूँ कि फलानी जगह पे मुसलमान पे हमला हुआ, फलानी जगह पे मुसलमान को शहीद किए, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम मुसलमान खुद होते हैं। जब हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है, अपने को मालूम है कि ठीक है अब मेरी जान जाने वाली है, तो चलो ना जाने से पहले और इनको भी 2-4 को लेके चलो साथ में, तो लेके जाने का ना, अकेला काय को जाने का? ये बुजदिली साहबा इकराम में नहीं थी, ये बुजदिली बुजुर्गान दीन में नहीं थी, ये बुजदिली अल्लाह वालों में नहीं थी। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान जैसे मुल्क पे 800 साल तक हुकूमत की। इसलिए 17 साल के थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सिर्फ 17 साल के, 17 साल की उम्र में उन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था। इसलिए कि उनके अंदर ऐसे जोश थे, उनके अंदर ऐसे जज्बे थे, उनके अंदर ऐसे वलवले थे। आज हमारे अंदर का जो जोश है, जो जज्बा है, जो वलवले हैं, वो हमारे पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं। इसलिए अभी से हम लोग परेशान हैं कि कुर्बानी का वक्त आएगा तो क्या करेंगे। जैसी हर साल हम लोग कुर्बानी करते हैं, पूरे आन बान शान के साथ में कुर्बानी करेंगे। और हम लोगों ने एक्चुअली होता ऐसा है, हम लोग क्या करते हैं, लीगल तरीके से अगर कोई हमको सता रहा है, हमारी जानवरों की गाड़ी आ रही है, तो मैंने बकरीद के टाइम पे भी बयान में ये कहा था कि हर मुसलमान के मोबाइल के अंदर सबसे पहले तो अपने एरिया पुलिस स्टेशन का नंबर होना चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं, उसके बाद आपके शहर के कमिश्नर ऑफिस का नंबर आपके पास में होना चाहिए, जो हेल्पलाइन नंबर आज आम हो चुके हैं, उसके बाद उसके अलावा जो है हमारे पास में ये नंबर होने के अलावा, जो इलाके से हम सफ़र करके जानवरों की गाड़ी वगैरह ला रहे हैं, रास्ते में अगर हमको कोई रोकता है, वो पुलिस है, वो ट्रैफिक पुलिस वाले है, तो ठीक है वो हमको रोक सकते हैं, हमारे से कागज़ वगैरह पूछ सकते हैं और उनको बताना भी ज़रूरी है। उनके अलावा अगर बजरंग दल या आरएसएस के लोग हमारी गाड़ियों को रोकते हैं, तो उनको ये हक किसी के बाप ने नहीं दिया कि लोगों की गाड़ियां रोक कर तुम उनकी तहकीक करो, चेकिंग करो, ये उनका काम नहीं है। ऐसे टाइम पे हमारा काम ये बनता है, अगर हमारे पास में वो एरिए के पुलिस स्टेशन का नंबर है या शहर के कमिश्नर ऑफिस का नंबर है ज़िले के, फौरन हम उस पर कॉल करें, अपना नाम बताएं, अपने गाड़ी का नंबर बताएं, मैं ये रोड से सफ़र कर रहा हूं और मेरी जानवरों की गाड़ी को ऐसे ऐसे जो बलवाई है या ऐसे ऐसे जो आतंकवादी लोग हैं, इन लोगों ने रोक दिया है और मैं फिल वक्त बहुत परेशानी में हूँ, मुझे मेरी जान का भी ख़तरा है, फौरन मुझे सिक्योरिटी चाहिए। आप इस मुल्क के नागरिक है, आप कोई बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हुए नहीं है, आपका हक है आपने पुलिस को फौरन फोन लगाकर इत्तला देना। होता यह है कि मुसलमानों को ये तमाम चीज़ों की मालूमात ही नहीं होती है, हमारे दिलों में डर होता है, अरे मैं ऐसा काय के लिए करूं,
तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी निकालने के लिए वो जो टिड्डे रहते बजरंग दल और आरएसएस के, उनके हाथ में 1,000-2,000 रुपये टिका के अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। अब उन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है, उनके और हौसले बढ़ जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, हर गांव के बाहर मैंने देखा हूँ, हर गांव के बाहर जो है दो दो चार चार खड़े हुए रहते वो गाड़ियाँ रोकने के वास्ते जानवरों की। अरे उनको कौन दिया, कौन हक दिया उनको, ये उनका काम है ही नहीं। ये किसका काम है, ये पुलिस का काम है गाड़ी को चेक करने का, या ट्रैफिक पुलिस का काम है, इनका काम नहीं है। ये अगर रोक रहे इल्लीगल तरीके से, हमारा काम है हम फौरन फोन लगाकर कमिश्नर ऑफिस में इत्तला दे अपने ज़िले के या अपने शहर के पुलिस ऑफिस, जो नंबर हमारे पास में है मैंने जो कहा, आप जाओ, आपको नंबर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाओ मोहम्मदवाड़ी जाएंगे, वहाँ बाहरी जितने बड़े इसमें नंबर लिखे हुआ है, वो नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रखने का। ऐसा अगर कोई अपनी गाड़ी को रोक रहा है, पहले तो गाड़ी रोकना गलत है हमारा, हमने गाड़ी नहीं रोकना चाहिए। मैंने पिछले साल देखा यूपी के अंदर कुछ नौजवान जानवरों की एक गाड़ी लेकर निकले, अभी ऐसे ही जो बलवाई थे बजरंग दल और आरएसएस के टिड्डे, इन्होंने वो गाड़ी को रोक दी। अब उसके अंदर बेचने के जानवर है, बाजार में खरीदो फरोख्त करने के जानवर है, जो हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से हर आदमी के लिए जायज़ है। आप ये बाज़ार में जानवर खरीद के दूसरे बाज़ार में बेच सकते हैं, तिजारत कर रहे हैं आप। अब वो तिजारत की गर्ज से वो व्यापारी लेकर जा रहा, उन लोगों ने गाड़ी रोक दी है। गाड़ी रोकने के बाद में वो जो गाड़ी ले जाने वाला था उसको बाहर निकाले और ड्राइवर को नंगा करे, और नंगा करने के बाद दो जन ने हाथों की तरफ, दो जन ने पैर की तरफ करके उसको पीछे से मारना शुरू किए लकड़ी से, और उसका वीडियो क्लिप भी बनाए उसको मारते हुए, ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो। तो मैंने जब ये देखा, मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई कौन से हिसाब से, इनको किसने हक दिया, ये कौन होते हैं गाड़ियाँ रोकने वाले, और हम कौन होते हैं इनके रोकने पर गाड़ी जो है रोकने वाले। ऐसे टाइम पे अगर कोई बीच में भी आता है तो सीधी गाड़ी लेके चले जाने का अंग पे, कार एक्सीडेंट या ट्रक एक्सीडेंट में अगर कोई मरता भी है ना आपके हाथ से, तो वो मर्डर केस में नहीं शुमार होता। नहीं, कौन हक दिया उनको गाड़ी के सामने आके गाड़ी रोकने का, सीधा गाड़ी लेके निकल जाने का। अपनी गाड़ी उसी वक्त रोकना चाहिए गवर्नमेंट का ऑथेंटिक ऑथोराइज कोई आदमी अगर हमारी गाड़ी को रोकता है, या तो फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी हो या ट्रैफिक वाला आदमी हो। इनको किसने हक दिया, उनकी दादागिरी बढ़ चुकी है। और ये काम, फिर हमारा काम ये है कि ऐसे मौक़ों से पहले हम इलाकों के पुलिस स्टेशनों के अंदर एक मेमोरेंडम दे, ख़ास तौर पर हमारे जो एरिया के लीडर होते हैं, नगर सेवक होते हैं, ये उनका काम है। अब मैंने देखा हूँ कि आज जो है ना, लीडर बनने का तो शौक़ हर एक को है। हाँ, इतने लीडर पैदा हो गए बारिश में, उतने सिद्दौड़ नहीं पैदा होते होंगे। जैसा बारिश में नहीं क्या फतरा निकालेगी उसके नीचे से सिद्दौड़ निकलते, वैसे आज गली गली में लीडर हो गए हुए। हर आदमी को ये लगने लगा कि मैं फलाने पार्टी का लीडर हूँ बोल के, और हर एक को शौक़ पैदा हो गए हुआ है। अब हर एक नगर सेवक बनना चाहता अगले इलेक्शन में, इसलिए लोगों की अभी से तैयारियां भी चालू हो चुकी है। तो लीडर बनने का बहुत हर एक को शौक, लीडरों के जैसे कपड़े पहनेंगे, लीडरों के जैसी अपना हेयर स्टाइल बनाएंगे, दो चार चमचे चेले चपाटे जो है महीने से रखे हुए रहेंगे साथ में। मैं पान की टपरी पे गया तो खड़े हुए रहना मेरे साथ, चाय पीने को गया तो दो चार मेरे पीछे रहना, ऐसे पालते भी रहते वो, ख़ास तौर पर महीने से रखे हुए रहते, क्योंकि अब हजरत को लीडर बनने का है। तो लीडर ऐसा बनने का बहुत शौक, होटलों की हद तक लीडर रहेंगे, पान टपरी तक लीडर रहेंगे, मगर जहां कौम के कामों की ज़रूरत पड़ी वहां पे आपके साथ में नहीं आएंगे। आपने बोले चलो पुलिस स्टेशन में कुछ काम है, तो लीडर साहब बोलते नहीं नहीं तुम लोग जाओ, वो तुम्हारा मसला है, तुम देखो जाके उधर। अरे लीडर साहब ज़रा सरकारी दवाखाने में चलो, वो जो फलानी दवा है वो इतनी महंगी मिलती है, हॉस्पिटल की दवा बाहर मेडिकल पे बिक रही है। लीडर साहब बोलते नहीं वो सब कामों में अपन दखल अंदाजी नहीं करते। फिर तुम लीडर काय के है, खाली लोगों को चाय पिला के अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने वाले।
ये उनका काम है असल में। हमारे जो इलाके के, महल्ले के, बस्ती के जो लीडर होते हैं, लोगों के वोट पर जो चुन के आते हैं, या फिर जो लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम अगर इलेक्शन में खड़े रहे तो इन्होंने हमारा साथ देना, ये उनका काम है। उन्होंने एक मेमोरेंडम पुलिस को देना चाहिए कि भाई हमारे कुर्बानी के जो जानवर है उसकी गाड़ियां आ रही है, हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारे बिजनेसमैन ताजिर परेशान हैं, हमारे गाड़ी वाले परेशान हैं। भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, और जो जितने ऊपर के लेवल के हैं उन्होंने उतने ऊपर के लेवल में जाके वो मेमोरेंडम देना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो और ऊपर लेवल के लोग हैं, बॉम्बे वगैरह के जो लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को जाकर जो है मेमोरेंडम देना चाहिए, गृह मंत्री को जाकर देना चाहिए कि हमारा कुर्बानी का जो पीरियड आ रहा है, हमारे मुसलमानों के गाड़ियों को रोका जाता है, हमारे जानवरों को परेशान किया जाता है, बहुत सारे जगहों पे वो जानवरों को छोड़ दिया जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, उनको जो लाखों का नुकसान हो रहा है। और मैंने बताया आपको कि 2 साल पहले मेरी खुद एक ऐसे ताजिर से मुलाकात हुई जिसने बेचारे ने कुर्बानी का सीजन शुरू होने से पहले अलग अलग लोगों से पैसे लिया, किसी से 2 लाख रुपये उधार लिया, किसी से 1 लाख रुपये उधार लिया, किसी से 2.5 लाख रुपया, ऐसा सबसे तड़ जोड़ करके बेचारे ने एक 8-10 लाख रुपये का इंतज़ाम किया कि कुर्बानी का ज़माना है, थोड़ा सा तिजारत करेंगे तो अपने को भी 2 पैसे का फ़ायदा होगा बोलिए। लेकिन वो नीयत से जब उसने जानवर वगैरह खरीदा तो उसके पूरे गाड़ियों को पकड़ा गया, कुर्बानी का सीज़न भी चला गया, उसके बावजूद भी उसकी गाड़ियाँ छूटी, वो जानवर वैसी पड़े हुए रो रहा था बेचारा। हमने उससे पूछे कि भाई तुम्हारी गाड़ियाँ अगर तुमको मिल गई तो, बोले मेरी गाड़ियाँ अब मिलती भी है तो मेरे क्या काम की, क्योंकि कुर्बानी तो निकल गई, अब जानवर कौन खरीदने वाला है, बोले जो भाव से मैंने खरीदा वो रेट से भी अभी कोई नहीं खरीदेगा। तो लोग जो तिजारत करने वाले हैं वो इस तरीके से परेशान होते हैं। तो हमारा काम ये है, हम बुजदिल ना बने ऐसे पीरियड के अंदर। मैं वही बताना चाह रहा आपको कि सहाबा की ज़िंदगी को, बुजुर्गान दीन की, अल्लाह वालों की ज़िंदगियों को हम अपने नज़रों के सामने रखें कि उन्होंने अपने ज़िंदगियों में जो भी काम किए वो बहादुरी के साथ में की, वो आगे बढ़कर किए, बुजदिल बनकर काम नहीं किए। और मुसलमान भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ताकतवर मुसलमान हैं वो कमज़ोर मुसलमान से 70 गुना ज़्यादा अफजल है। जो ताकतवर मुसलमान हैं वो कमज़ोर मुसलमान से 70 गुना ज़्यादा अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में ये बयान फरमाया। क्यों बयान फरमाया? इसलिए कि मुसलमान अगर ताकतवर होगा, मोमिन अगर ताकतवर होगा, उससे दीन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, दीन को ज़्यादा से ज़्यादा तकवीयत पहुँचेंगी। और यही मुसलमान अगर डरपूक होगा, इसके दिल में अगर गैरों का डर बैठा हुआ होगा, जैसे मैंने बताया अभी के वो यूपी के अंदर मुसलमान औरतें जो है गैरों को गंगा का पानी भर भर के दे रही थी, अभी उनका कुछ वहाँ पे प्रोग्राम चलता है ये महीने के अंदर, खुद मुसलमान औरतें जो है मंदिरों के बाहर बैठ के और वो गंगा के किनारे पर बैठ, किस लिए? सिर्फ गैरों के डर की वजह से। याद रखो, गैर जो है उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करना ये हमारे अखलाक है, ये नाजायज़ नहीं है बल्कि बहुत अच्छी बात है। उनके साथ प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो, उनके साथ मिलना जुलना, यहाँ तक कि उनकी दावत में भी शरीक होना, मगर जो चीज़ें उनके अकीदे से ताल्लुक़ रखती है उसमें शरीक होना मुसलमान के लिए हराम है, उसमें शरीक होना मुसलमान के लिए हराम है। अब ये चीज़ उनके अकीदे से ताल्लुक़ रखती है कि वो पानी उनके नज़दीक दुनिया का सबसे पाक पानी है, और मुसलमान औरतें भी जो है उनके साथ जब शरीक हाल हो रही है, इसका मतलब शिर्क के काम में वो औरतें उनका ताउन कर रही है। और कुरान में अल्लाह ने कहा वला ताउनु अलल इज्म वल उदवान, गुनाहों के कामों में किसी की मदद मत करो, और वो शिर्क के कामों में उनकी मदद हो रही है। तो ये गैरों का डर है हमारे दिलों में। इसी तरीके से अभी महाराष्ट्र में भी गणपति का जब सीज़न आता है तो बहुत सारे मुसलमान
अपने आप को सेक्युलर कहलाने के वास्ते में कि लोगों को मालूम होना हजरत बहुत सेक्युलर है, क्योंकि हजरत को अगले इलेक्शन में खड़े रहने का रहता। तो हमारे ऐसे जो मुसलमान हैं वो खुद भी गणेश मंडलों में शरीक होते हैं और उनके नाम उसमें देख के ऐसा अफसोस होता है दिल को, उनके गैरों के नाम और उसके बीच में इनका नाम रहता है, शेख रफीक शेख शफीक बोल के ऐसे नाम हमारे भी लिखे हुए रहते हैं उसके अंदर। अरे भाई आप अपने अखलाक गैरों को बताओ, उनके साथ प्यार का मामला करो, मोहब्बत का मामला करो, लेकिन जो अकीदे से ताल्लुक रखने वाली चीज़ें हैं मुसलमान के लिए हराम है उसमें उनके साथ में शिरकत करना। और ये तो शिर्क का काम है, वो एक बुत को बिठाने वाले हैं, ये मुसलमान उनके साथ शरीक होने वाला इस बात का ऐलान कर रहा है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ में इसमें शरीक हूँ बोल के मेरा भी नाम डालो उसके अंदर। अब वो मुसलमान का भी नाम डाला जा रहा है, शिर्क है, याद रखो खुला हुआ शिर्क है ये हमारे लिए सराहतन नाजायज है, सराहतन हमारे लिए हराम है, बिल्कुल हमारे शरीयत के अंदर किसी भी मुसलमान को किसी भी गणेश मंडल का सदस्य होने की परमिशन और इजाजत नहीं है, उसके अलावा उसमें चंदा देने की भी इजाजत नहीं है। जैसे बहुत सारे मुसलमानों के नाम पढ़ने को मिलते, मस्जिद के ट्रस्टी अगर उनके पास में गए कोई तकाजा लेके कि हाजी साहब मस्जिद में एक पंखा लगाने का है, तो वो बोलते यार तंग कर दिए मस्जिद और मदरसे वालों ने, चंदा दे दे के परेशान हो गया बोले मैं। हालांकि कभी जिंदगी में उसने 100 रुपये किसी मस्जिद को नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन फिर ऐसा बोलेगा कि मैं जैसा लोगों को मालूम होना बहुत मस्जिद और मदरसों पे खर्चा करने वाला है ये। कोई मदरसे वाले चले गए, भाई हमारे पास में 150 बच्चे यतीम हैं, हम उनको नए कपड़े बनाना चाहते, 200 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये का खर्चा है। अरे जाओ ना बाबा, तुम लोगों को काम धंधा है क्या नहीं बोले, अभी रमजान जाके 15 दिन भी नहीं हुए, महीना भी नहीं हुआ, बकरीद भी नहीं आई तो शुरू कर दिए बोले तुम लोगों ने। ये हमारे मुसलमानों का हाल है, मस्जिद के कामों में, मदरसे के कामों में, दीन के कामों में अगर कोई तकाजा लेकर जाए उसको सराहतन मना करेंगे, लेकिन वही अगर गणेश मंडल वाले ऐसे किसी लीडर के पास, ऐसे किसी अन्नदाता के पास या दाता के पास में पहुंचेंगे तो बोलते कि मेरी तरफ से 11,111 रुपये लिखो बोले। हाँ फ्लैग के ऊपर एकदम ऊपर अपना नाम आना चाहिए, पहले मेरे को ये बताओ किसने कितने कितने लिखाया बोले। बहुत सारे हैं मुसलमान ऐसे, उनको शौक रहता अपने नाम को गैरों के साथ में हाईलाइट करने का, उनको मालूम होना चाहिए कि गैरों को ये मालूम हो कि हम गैरों के साथ में बहुत सेक्युलर रहने वाले हैं बोले। तो गणेश मंडल में 11,111 रुपये देने को तैयार है और मस्जिद में 1,000 रुपये देने को तैयार नहीं है, ये ऐसे भी मुसलमान है। तो कुरान में कहा कि शिर्क के कामों में ताउन करना भी शिर्क है, वला ताउनु अलल इस्मी वल उद्वान, उनके साथ मोहब्बत का मामला करो, अखलाक का मामला करो, उनको दावत दो, अपने घर पे बुलाओ, खाना खिलाओ, वो तुमको दावत दे, उनके घर पे जाओ, ये तमाम चीज़ें शरीयत में जायज है, लेकिन जो बातें अकीदे से ताल्लुक रखती है हमारी शरीयत उसमें शरीक होने की कभी भी हमको इजाज़त नहीं देती, और ये बात अकीदे से ताल्लुक रखने वाली है। तो ये हमारे बुजदिली का नतीजा है, ये बुजदिली है हम लोगों की। और आज के ज़माने में भी बहुत सारे मुसलमान हैं ना ऐसे, जो एकदम सच्चे पक्के ढक्के एकदम 100% जो है वो अपने ईमान पर चलने वाले हैं और वो इस्लाम पे चलने वाले हैं। आज से 15 साल पहले जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे सुधाकर राव नाईक, वो ज़माने में एजुकेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर सलीम जकरिया बोल, उनको इतनी बड़ी दाढ़ी थी, और उसके अलावा वो 5 वक्त की नमाजों के पाबंद थे। मुझे इसलिए याद है कि हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़े स्कूल का उद्घाटन होने वाला था, इफ्तिताह था, और वहाँ पे उन्होंने जो है खड़ल धड़ल फड़ल फड़ल जो रहता ना पूजा पाठ सबका इंतज़ाम करके रखे हुआ था, और इत्तेफाक से उस दिन जुमा का दिन था। अब हम लोगों को मालूम हुआ कि भाई बहुत बड़े मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, हम भी पहुँचे वहाँ प्रोग्राम में शिरकत के लिए। डॉक्टर सलीम जकरिया जैसे ही वहाँ पे पहुँचे प्रोग्राम में, उस वक्त में 1:15 बज रहा था, उन्होंने बोले कि मैं पहले मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूंगा बोले, और नमाज के बाद में प्रोग्राम शुरू होगा। अब वहाँ सब गैर लोग थे, अतराफ के हमारे पूरे ज़िले के कम से कम 8-10 आमदार जमा हुए हुए थे,
वो सारे आमदार वहाँ पे बैठे हुए उनका इंतजार करते हुए, और जिला परिषद के जो मेंबर रहते वो सारे बैठे हुए। अब ये हजरत पहुँचे मस्जिद के अंदर, गए तो पता चला कि 1 बजे बयान शुरू होता है और नमाज जो है वो 1:45 बजे होती है। उन्होंने इत्मीनान से वजू किए, 2 रकात तहियतुल वुजू तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़े और पहली सफ में आके बयान सुनते हुए बैठ गए। 1.5 घंटे तक पूरा बयान होने के बाद में, उसके बाद में फिर इमाम साहब ने खुतबा वगैरह दिए, 2:15 बजे नमाज सुन्नत नवाफिल से वो फारिग हुए। गाड़ियाँ उनके आगे पीछे 8-10 बॉडी गार्ड, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर बैठे, बैठने के बाद प्रोग्राम में गए, और प्रोग्राम में जाने के बाद में उन्होंने बोले ये खड़ल धड़ल का जो सामान है इसको पहले हटाओ, बोले मेरे नज़रों के सामने उठाओ, बोले यहाँ से। ये गवर्नमेंट के स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है या किसी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा, बोले किसके खर्च किसके पैसों से ये बने हुआ है? गवर्नमेंट के पैसों से ना? हाँ, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इसका उद्घाटन होगा, बोले यहाँ कोई भूमि पूजन या कोई पूजा पाठ नहीं होंगी, बोले। उन्होंने वो पूरा बारदाना जो था वो लपेटने को लगाए, उनको वहाँ से पूरा साफ सुथरा करने को लगाए। उसके बाद बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने अपने हाथों से वो स्कूल का उद्घाटन किए, स्पीच दिए, उसके बाद में वो चले गए। ये पूरा वाकया मैं आपको पूरे डिटेल में इसलिए सुना रहा हूँ कि मुसलमान अगर अपने ईमान पे सच्चा हो, पक्का हो, ढक्का हो, तो वो अगर मिनिस्टर भी बन जाए तो वो आराम से उसके ऊपर अमल कर सकता है। और जो मुसलमान के ईमान में ऐसी मजबूती होती है, ऐसे ही मुसलमान को अल्लाह इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचाते हैं। वरना हमारे ज़माने के जो मुसलमान हैं वो ग्राम पंचायत के मेंबर या नगर सेवक से ऊपर के लेवल पे नहीं जाते, उससे ऊपर उनका लेवल नहीं रहता। उसका रीज़न ये रहता कि ये चारों कश्तियों के अंदर पैर रखे हुए रहते, गंगा में गए तो गंगा दास और जमुना में गए तो जमुना दास, सबको साथ में लेकर चलो, बोले। गैरों को भी, अपनों को भी, गणेश मंडल में भी चंदा दो, मस्जिद में भी चंदा दो, बोले। उसको फारसी शायर ने कहा कि दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदा ने इश्क, हर हवस नाके न दानत जामो संदा बाख्तन। फारसी शायर ने उसी बात को शेर के अंदर कहा। तो हमारे ज़माने में इसलिए मुसलमान, क्योंकि दिलों में बुजदिली बैठी हुई है। अरे तुम अल्लाह से डरो ना, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखो। तो याद रखो, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप जॉब करते हैं, आपके दिल में अल्लाह का डर है और आप अल्लाह के हुक्मों पर चलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आता फरमाएंगे। आप पॉलिटिक्स के अंदर है, आप अल्लाह के हुक्मों पर चलते हुए चलो ना। आज कितने लोग हैं ऐसे, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, मगर मुनासिब नहीं है, अभी वक्त हो चुका है बयान का ख़त्म। अल्लाह आपको वहाँ पे भी ऊपर, डरने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान के दिल में डर अगर होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ किसका डर होना चाहिए? ज़ोर से बोलो ज़रा, अल्लाह का डर। बाकी काय का डर? ये जितने जिनसे हम डर रहे हैं वो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान हैं, हम जैसे कब्रों में जाने वाले हैं, वो भी दुनिया से जाने वाले हैं। अल्लाह मुझे आपको दीन की सही समझ आता फरमाए, जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।